आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं अंशिका सिंह, आपकी अकाउंट्स टीचर। वेलकम करती हूं आप सभी को हमारे चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली वीडियोस में हमने यूनिट वन और यूनिट टू को कवर कर लिया था, जिसमें कि यूनिट वन हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, तो यूनिट टू हमारा पार्टनरशिप का स्टार्टिंग था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट थ्री के बारे में, जो कि फिर से पार्टनरशिप ही बुक से रिलेटेड है, यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स होती हैं उनकी क्या एंट्रीज होती है उनको जानेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। गुडविल क्या होता है, गुडविल का नेचर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, और कितने मेथड्स होते हैं गुडविल को निकालने के, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर दो चैप्टर जो कि है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना वीडियो को और लंबा करते हुए लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो पहले बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में और गेनिंग रेशियो के बारे में। तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपना कुछ प्रॉफिट शेयर का सरेंडर करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स को, उसी को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को एस आर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी कि जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आता है। अब बात करेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, यानी कि जब फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आने की वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर के सरेंडर करने पे जो ओल्ड पार्टनर है, यानी जो फिर से एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनको किसी भी तरीके का गेन होता है, उसी को हम लोग गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो जो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो, यानी कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसकी मदद से आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो और क्लियरली समझ में आएगा। तो बोर्ड पे क्वेश्चन दिया है जिसमें बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में बांटा करते थे। यानी कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट और लॉस जो था वो 2:1 में बांटा करते थे, यानी कि इनका ओल्ड रेशियो जो था वो था हमारा 2:1, किसका था, ए और बी का। उसके बाद बोल रहा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। यानी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आया तो 1 अप्रैल 2021 के बाद वो लोग फ्यूचर प्रॉफिट को इक्वली बांट लेंगे, यानी फ्यूचर प्रॉफिट यानी कि न्यू रेशियो। तो जो न्यू रेशियो आया उनका वो था इक्वली, यानी कि दो पार्टनर है ए और बी, दोनों इक्वली बांट रहे होंगे, तो दोनों 1:1 में ही बांटा कर रहे होंगे। तो जो न्यू रेशियो हमारा निकल के आया है वो है 1:1। कैलकुलेट पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अब इसमें ये कैलकुलेट करना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आने की वजह से। तो फॉर्मूला लिखाए थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, जो कि था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो उसी फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर बात करें ए का, तो ए का ओल्ड रेशियो था 2 और टोटल 2:3, यानी कि 3 टोटल इनका 3 था। माइनस करेंगे न्यू रेशियो को, तो ए का था 1 और टोटल है 2। अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो आएगा 6 3 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 3 1 जा, यानी कि ए 1:6 सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर बी का बात करें तो बी का था ओल्ड रेशियो 1:3 और न्यू रेशियो निकल के आया है 1:2। फिर से अगर करें तो 3 2 जा माइनस 3, यानी -1, यानी माइनस दिखाता है कि वो पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है। तो अगर बी जो है इसका -1:6 आया है, इसका मतलब कि बी जो है वो गेन कर रहा है। मैं होप करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो समझ में आया होगा। अब बात करेंगे गुडविल के बारे में। तो अगर गुडविल के बारे में बात करें तो दो शॉपकीपर हैं,
एक का नाम है मिंटू, एक है हमारा चिंटू। जो मिंटू है और जो चिंटू है दोनों की स्वीट्स की दुकान है, मिठाइयों की दुकान, दोनों स्वीट्स ही बेचा करते हैं। दोनों का बहुत लंबे समय से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। जो मिंटू है जब इसके पास कोई कस्टमर जाता है तो ये उसको अच्छी क्वालिटी का मिठाई नहीं देता, अच्छे क्वालिटी के जो भी स्वीट्स होते हैं उनको अवेलेबल नहीं कराता है और उनके साथ बहुत ही रूडली बात किया करता है, उनके लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया करता है। वहीं पे जो चिंटू है वो स्वीट्स भी अच्छी क्वालिटी का देता है, अपने वर्क के लिए ऑनेस्ट भी रहता है और कस्टमर से कभी रूडली बात नहीं करता है। तो कस्टमर जो होते हैं वो चिंटू के पास ज़्यादा जाना चाहते हैं, यानी जो कस्टमर्स हैं वो चिंटू के पास ज़्यादा जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑनेस्टी से भी वर्क कर रहा है, हार्ड वर्किंग भी है, कस्टमर्स पे ध्यान भी दे रहा है और अपनी कंपनी में अच्छे क्वालिटी के, मतलब अपनी दुकान पे अच्छे स्वीट्स को बेच भी रहा है। तो अगर गुडविल की बात करें तो गुडविल जो होता है वो नेम होता है और वो फेम होता है जो कि कोई भी पर्सन अर्न करता है, या कोई भी शॉपकीपर, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी अर्न करती है अपनी खुद की ऑनेस्टी के बेसिस पे, हार्डवर्क के बेसिस पे, उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। यानी कि इस केस में जो चिंटू है वो ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और अपने ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग के बेसिस पे उसने गुडविल कमाई है, यानी कि कस्टमर्स को कमाया। तो गुडविल का बेसिकली मतलब वही होता है कि जब कस्टमर आपके दुकान पे बार बार जाएंगे, आपके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो वो और लोगों को बताएंगे, वो और लोग भी आके आपके यहाँ पे सामान खरीदेंगे, जिसकी वजह से आपकी कंपनी का नाम या आपके दुकान का नाम या उस इंडिविजुअल का नाम बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप लोग भी अगर हमारे चैनल पे हमारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, आपको हमारे चैनल के साथ टीचर्स की पढ़ाई अच्छी लगती है, हमारी चैनल अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने लाइक्स और कमेंट्स से हमारे चैनल को अच्छी तरीके से भर दें। तो अगर बात करते हैं फिर से अपने टॉपिक पे, तो जो चिंटू है और जो मिंटू है, इन दोनों में चिंटू के पास क्या है? गुडविल है, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर बार बार जा रहा है। लिंडले अपने डेफिनेशन में बताए थे कि गुडविल का मतलब ही होता है जो भी हम लोग रेप्यूटेशन अर्न कर रहे हैं। तो अगर गुडविल के बारे में बात आप बताएं तो एक शॉर्ट में आप ये बोल सकते हैं कि जो भी नेम और जो भी फेम हम लोग अर्न करते हैं अपनी ऑनेस्टी और अपनी हार्ड वर्किंग के बेसिस पे, उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। अब अगर गुडविल की नेचर की बात करें तो गुडविल जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट्स है, यानी हम लोग इसको ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बस इसको फील कर सकते हैं। ऐसे कि मतलब जो गुडविल है वो फिक्टिशियस एसेट्स तो होता ही है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन गुडविल की वैल्यू होती है। गुडविल से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, गुडविल को बेचा भी जा सकता है। अगर गुडविल को क्लासिफाई किया जाए तो गुडविल दो तरीके का होता है, एक होता है परचेज गुडविल, एक होता है सेल्फ अक्वायर्ड गुडविल। अगर परचेज गुडविल की बात करें तो फेसबुक वाला क्या किया था, अब बहुत लोग तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे होंगे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम वर्ड जो है आपके लिए बहुत कॉमन होगा। तो जो फेसबुक के ओनर हैं उन्होंने क्या किया था कि इंस्टाग्राम चूंकि फेमस होते जा रहा था तो उन्होंने क्या किया था, इंस्टाग्राम को परचेज किया था, यानी इंस्टाग्राम के गुडविल को परचेज किया था, यानी ऐसी गुडविल जिसे हम लोग खरीद सकते हैं, ऐसे गुडविल को हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। सेल्फ अक्वायर्ड गुडविल जो हम लोग अपनी खुद की मेहनत से कमाते हैं, जिसको हम लोग बेच नहीं सकते हैं, ऐसी गुडविल को हम लोग सेल्फ अक्वायर्ड गुडविल कहते हैं। और परचेज ही गुडविल की हम लोग एंट्रीज भी करते हैं, सेल्फ अक्वायर्ड गुडविल्स की कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं। गुडविल के फैक्टर्स की बात करें तो गुडविल के फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ कुछ ही फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मेन है, इम्पॉर्टेंट भी है। पहला बोल रहा है फैक्टर फेवरेबल लोकेशन, यानी कि जो बिजनेस जितनी अच्छी लोकेशन पे होगा, जितना कस्टमर के नियर होगा, उस बिजनेस का गुडविल भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा बोलता है हमारा इफ़िशियंसी, सेकंड वाला है इफ़िशियंसी इन मैनेजमेंट, यानी कि ये बोलता है कि जो भी बिजनेस जितना इफ़िशियंट और जितना एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा चलाया जाएगा उतना ज़्यादा ही कंपनी का प्रॉफिट होगा और उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से गुडविल भी बढ़ना स्टार्ट करेगा।
थर्ड पॉइंट हमारा बोल रहा है लॉन्गिविटी ऑफ बिजनेस, जितना लंबे समय से जो बिजनेस लॉन्ग टाइम से चल रहा होगा उसका गुडविल ऑटोमेटिकली उतना ही ज्यादा होगा। चौथा बोलता है हमारा नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि अगर कोई बिजनेस डेली बेसिस के गुड्स में डील कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट भी डेली बेसिस पे अर्न कर रहा होगा, वो डेली बेसिस पे उसकी इनकम होगी तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। लास्ट पॉइंट है हमारा ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट किसी कंपनी का किसी बिजनेस का ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर रहा है तो उसकी गुडविल भी इंक्रीज कर रही होगी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आज हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे कि गुडविल को निकालने के कितने मेथड्स होते हैं। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए तीन मेथड्स को बताया गया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना ज़रूरी होता है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो जितने भी साल का प्रॉफिट और लॉस दिया गया होगा तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे और लॉसेस को माइनस करने के बाद जितना ईयर का दिया गया होगा जब उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग गुडविल को निकाल देंगे, यानी फॉर्मूला बनेगा गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके बाद बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की और उसके बाद बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो अगर गुडविल को निकालने के मेथड्स के बारे में डिस्कस करें तो गुडविल को निकालने के लिए तीन मेथड्स को बताया गया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर एवरेज प्रॉफिट से निकाले तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कि जितने साल का प्रॉफिट और लॉस दिया गया है उसको माइनस कर दीजिए और जो भी टोटल नंबर ऑफ ईयर दिया गया है उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एवरेज प्रॉफिट निकल जाती है। अब एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे जब हम लोग गुडविल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा बात करेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो निकालना सबको पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कैपिटल इन्वेस्टेड होगा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगी। इसके बेसिस पे गुडविल निकाले तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के दो मेथड्स बताए गए, या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल दीजिए या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल दीजिए। अगर एवरेज प्रॉफिट से निकालने की बात करें तो जब एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड निकल जाएगी। इसके बेसिस पे गुडविल निकालेंगे तो जो भी कैपिटलाइज वैल्यू आई होगी उसको कैपिटल इंप्लॉयड से माइनस कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो वही बात है, जब सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल जाएगी कैपिटलाइजेशन की सुपर प्रॉफिट मेथड से। इसको और अच्छे से समझने के लिए और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी अभी डिस्कस कर लेंगे जिससे कि और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहले बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से एक क्वेश्चन को जिसमें बोल रहा है कि गुडविल को कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेज के बेसिस पे, जहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और एक लॉस भी दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं। इस एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि 1 जनवरी 2016 को एक फायर ब्रोक आउट हुआ जिसकी वजह से गुड्स का लॉसेज हुआ 3 लाख का और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला 70,000 का। सेकेंड में बोल रहा है कि 31 मार्च 2018 में फॉर्म रिसीव करती है अनएक्सपेक्टेड टैक्स ऑफ ₹80,000। तो पहले क्वेश्चन में लॉस हुआ है और दूसरे क्वेश्चन में गेन हुआ है और ये दोनों ही एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, एबनॉर्मल लॉस हमेशा ऐड किया जाता है और एबनॉर्मल गेन को हमेशा माइनस किया जाता है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, तो अगर 5 ईयर का कैलकुलेशन करें तो 5 ईयर तो 2013 और 14 में किसी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो ये 4 लाख ऐसे ही हो जाएगा। 2014 और 15 में भी कुछ भी नहीं हुआ था,
लेकिन 2015 से 16 में 3 लाख का लॉस हुआ है जिसमें से 70,000 रिसीव हो चुका है, तो अब नॉर्मल लॉस और कितना बचा है तो 2,30,000, 3 लाख माइनस 70,000 तो 2,30,000 और बचा है, जिसमें कि पहले से ही इसको लॉस था 60,000 का, अब इसमें प्लस कर देंगे अब नॉर्मल लॉसेस को, तो सॉरी यहाँ कर दिए, इसको यहाँ करते हैं, 60,000 को इसमें प्लस कर देंगे 2,30,000, तो ये हो जाएगा हमारा 1,70,000। 2016 और 17 में कुछ नहीं हुआ था, और 2017 और 18 में 2,50,000 का हमें प्रॉफिट तो था, लेकिन अब नॉर्मल गेन हुआ था 80,000 का, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,70,000, अगर ऐड करें तो टोटल हो जाएगा 13,90,000। अब टोटल एवरेज प्रॉफिट तो आया, हमारा प्रॉफिट आया 13,90,000, एवरेज प्रॉफिट निकाले तो जब 13,90,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो आ जाएगा हमारा 2,78,000। अब 2,78,000 तो हमारी गुडविल आ गई, एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब इसके बेसिस पे हम लोग गुडविल को निकालेंगे, तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट दिया हमारा 2,78,000 और गुडविल दिया है 3 ईयर परचेज, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 8,34,000, यानी हमारी गुडविल हो जाएगी 8,34,000। ये है गुडविल निकालने का मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक फर्म की एवरेज प्रॉफिट दी गई है 70,000, जिसमें उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का। पिछली वीडियो में जब एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन किए थे तो उसमें बताए थे कि जो एबनॉर्मल गेन होता है उसे माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे जब एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें मिल गया सुपर प्रॉफिट के लिए, लेकिन अभी हमें एक और चीज़ चाहिए जो कि है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको कहीं क्वेश्चन में तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ तो टर्म्स दिए ही गए होंगे, हिंट्स तो दिए ही गए होंगे। तो देखिए बोल रहा है कि कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है 5,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10% और गुडविल को 4 टाइम है SP का। तो आप पहले निकाल लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट तो 70,000 दिया है, इसमें से एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे जो कि है 5,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 65,000। नॉर्मल प्रॉफिट को निकाले तो नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है 5,50,000, रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10, डिवाइड कर देंगे 100 से तो 55,000 हमारा निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट को, तो वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया है 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 55,000 जो कि निकल गया है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। अब सुपर प्रॉफिट तो मिल गया, हम निकालेंगे गुडविल को, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था कि सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल गया है 10,000, 4 टाइम्स भी परचेज ही को बोला जाता है, तो 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 40,000 है वो हमारी गुडविल निकल के आई है। अब ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुडविल निकालने के लास्ट मेथड को, जो कि है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब बात करेंगे कि कैसे कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल को निकाल सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट का, और दूसरा चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो एवरेज प्रॉफिट का, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो जब इन दोनों को निकाल के माइनस करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट दिया है 72,000, रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, एसेट्स और लाइबिलिटीज दे दी गई है, तो आसानी से हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट का और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को निकाल के गुडविल को निकाल सकते हैं। तो अगर कैपिटलाइज वैल्यू निकाले
तो होगा एवरेज प्रॉफिट दिया है 72,000 इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10, तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज वैल्यू से निकल के आएगी 7,20,000। अब दूसरा है कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने का, तो कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला भी बताए थे आपको, जो कि है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट्स हमारी दी है 9,70,000 और लाइबिलिटी दी है 4,00,000 की, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 5,70,000। अब ये तो निकल गया दोनों, अब निकालेंगे गुडविल को। तो गुडविल निकालने के लिए इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल के आएगी। तो कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट का दिया है 7,20,000 और कैपिटल इंप्लॉयड निकल के आया है 5,70,000। माइनस करेंगे तो जो 1,50,000 है वो है हमारी गुडविल कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इसके बाद बात करेंगे कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड को। तो इसी क्वेश्चन से हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल को निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो दिया गया है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो हिंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे और उसके बाद जब उसको रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगी। तो अगर निकालें एवरेज प्रॉफिट तो हमारी दी ही गई है, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालें तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो 9,70,000 माइनस 4,00,000 हो जाएगा हमारा 5,70,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालें तो 5,70,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 57,000 और एवरेज प्रॉफिट दिया गया है हमारा 72,000। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालें तो 72,000 माइनस 57,000 तो हमारी सुपर प्रॉफिट आ जाएगी 15,000। अब इसी पे जब गुडविल को निकालेंगे तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट तो हमारा 15,000 दिया है और 100 और रेट ऑफ रिटर्न 10 दिया है, डिवाइड कर देंगे तो 1,50,000 की हमारी गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइजेशन बाई सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो ये था हमारा कंसेप्ट पूरा गुडविल का, और हमने पढ़ा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है और गुडविल को निकालने के मेथड्स क्या होते हैं, गुडविल का नेचर क्या होता है और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है और गुडविल क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे कि एक्यूमुलेटेड रिजर्व ऑफ प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इनको कैसे दिखाया जाता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर को और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर को। अब बात करेंगे कि किसी भी तरीके का पहले से ही कोई रिजर्व होगा या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगी तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कैसे करेंगे। तो इस वाले टॉपिक में ये बोल रहा है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरीके का चेंजेस आता है उस टाइम पे अगर पहले से कोई भी रिजर्व होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा या कोई भी लॉस होगा, उसको हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनर में या फिर आप कह सकते हैं ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में उसे बांट देंगे। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जर्नल एंट्री करके देखते हैं कि उसकी एंट्री क्या पास की जाती है। मैं डायरेक्टली बिना जर्नल के प्रोफॉर्मा को खींचे हुए बताती हूँ, आपको पता होगा कैसे किया जाता है, मैं डायरेक्टली एंट्री कर लेती हूँ। तो पहला होगा कि अगर पहले से कोई रिजर्व या प्रॉफिट होगा तो उसे लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे, इन ओल्ड रेशियो। अगर पहले से किसी तरीके का लॉसेज हो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो उसकी जनरल एंट्री की करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू। तो ये इसकी
एंट्री होती है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक्स वाई जेड आप पार्टनर्स, थ्री पार्टनर्स है एक्स वाई जेड जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को बांट रहे हैं 4:3:2 में। 1 अप्रैल 2017 से वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो फ्यूचर प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, लेकिन उस दिन उस डेट पे उनका बुक जो है वो शो कर रहा है कि ये फॉलोइंग आइटम्स है जो अभी भी उनके पास अवेलेबल है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका 1,20,000, जनरल रिजर्व दिया गया है 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है 60,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को बोला गया है 90,000। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, क्योंकि ये पहले से ही उनके बुक में दिया गया है और अभी इसकी जर्नल एंट्री बताए थे, तो इसको इस सारे को हम लोग बांट देंगे 4:3:2 में। और कितने पार्टनर्स के बीच में? 3 पार्टनर्स के बीच में जो कि है एक्स वाई और जेड, क्योंकि यही तीनों एग्जिस्टिंग पार्टनर भी है। तो इसकी अगर जर्नल एंट्री की जाए, मैं प्रोफॉर्मा बना देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो पहले इन तीनों को हम लोग पार्टनर्स के अमंग में बांट देंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, डेट तो नहीं दिया गया है, अकाउंट डेबिट 1,20,000, जनरल जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग लॉन्ग फॉर्म में लिखिएगा, 60,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो ये तीनों को हम लोग बांटेंगे एक्स वाई जेड में। तो अगर इन तीनों का टोटल देखें तो इन तीनों का टोटल आएगा आपको 2,25,000, जिसको बांटेंगे 4:3:2 में, यानी कि x को मिलेगा 4/9 यानी 4 और टोटल, y को मिलेगा 3/9 3 और टोटल और z को मिलेगा 2/9 यानी कि 2 और पूरा टोटल। तो अगर इन तीनों को ऐड करके और उसके बाद जब 4:9 3:9 और 2:9 में बांटेंगे तो पहले का आएगा 1,00,000 x का, दूसरे का सेकंड वाले का आएगा 75,000 और थर्ड वाले का आएगा 50,000। ये तीनों में अमाउंट जाएगा जब 2,25,000 को 4:3:2 के रेशियो में बांटेंगे। ये तो पहले का था। अब दूसरा एक बच रहा है हमारे पास जो कि है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि ये खर्चा है, एक तरीके का लॉस है, तो ये क्रेडिट में जाएगा और पार्टनर्स जो होंगे वो डेबिट होंगे। तो लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये है 90,000। इसको अभी फिर से बांटेंगे 4:9 3:9 और 2:9 में, तो हो जाएगा 40,000 30,000 और 20,000। तो ये पूरा कंसेप्ट था कि जब पहले से ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड रिजर्व दिए गए होंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, उससे रिलेटेड मैंने जर्नल एंट्री भी बता दी और उस पर क्वेश्चन भी बता दिया। अब बात करेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया होगा, उसके बहुत तरीके के क्लेम दिए होंगे, तो उनकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। दूसरे में फिर बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गया होगा सेम, उसमें क्या कंडीशंस होंगे और उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, उसके बारे में अभी बात करेंगे। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हैं ये सीयूईटी के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर किसी को लेना है तो वो लेके इसको और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। अब बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया होगा अगर आपको, तो उसकी क्या क्या जनरल एंट्री हो सकती है। तो पहले बोल रहा है कि अगर वर्कमैन का, उसके पहले बता देते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है।
एक ऐसा रिजर्व जो कि बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए रखा रहता है कि जब उसको ज़रूरत पड़े तो अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेट कर दे, उसके लिए जब वो कोई रिजर्व बचा के रखता है उसे हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्रीज आएंगी या कोई भी ट्रीटमेंट आएगा तो आप उसको कैसे कर सकते हैं CUET में या फिर 12th के बोर्ड के एग्जाम में। तो देखा जाए तो पहला बोल रहा है कि देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि अगर कोई भी क्लेम ना दिया गया हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया गया होगा उस टाइम पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सारा पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, वो भी किस रेशियो में जाएगा, तो ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। दूसरा बात बोल रहा है कि सेकेंड वे पॉइंट बोल रहे हैं कि इफ क्लेम इज लोअर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि जितने का क्लेम किया गया है वो रिजर्व से कम होगा, तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बाकी जो बचा हुआ पैसा होगा वो पार्टनर्स अपने अमंग में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी जितना क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर हो, तो उस केस में जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट होगा वो सीधे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा। लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर क्लेम जो होगा वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से ज़्यादा होगा तो उस केस में दो एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन आगे चलकर बताएंगे क्या होता है, और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा, जो रीवैल्यूएशन का अमाउंट होगा, वो पार्टनर्स अपने अमंग में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। इसके बाद पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अगर किसी भी तरीके का कंडीशन या क्लेम आएगा तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। ऐसा रिजर्व जो फर्म अपने प्रॉफिट से बचा कर रखती है ताकि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कभी गिरे तो उस रिजर्व से वो उस इन्वेस्टमेंट को मीट कर सके, उसी रिजर्व को हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। तो इससे भी रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ एंट्रीज CUET में भी पूछ सकता है और 12th के एग्जाम्स के लिए भी पूछ सकता है। तो पहले देखते हैं कि क्या बोलता है। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, यानी इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है और जो उसकी बुक वैल्यू है दोनों सेम है तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी उसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के अमंग में इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। दूसरा बोलता है, सेकंड पॉइंट है कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से कम है तो उस केस में तीन कंडीशंस को बताया गया है। फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है, उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट को देने के बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। दूसरा कंडीशन कहता है कि फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी गिरी है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है, उस केस में कुछ नहीं करना है, बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो भी पैसा होगा वो सीधे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हमारी गिरी है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है तो उस केस में दो एंट्री पास होगी। फर्स्ट एंट्री होगी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, बाकी उसके बाद जो रीवैल्यूएशन का पैसा होगा वो पार्टनर्स जो होंगे अपने अमंग में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। इसके बाद एक और कंडीशन है जिसके बारे में अभी बात करेंगे।
तो जो हमारा थर्ड पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि जब मार्केट वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी बुक वैल्यू से इन्वेस्टमेंट की, तो उस कंडीशन में हम लोग तीन एंट्रीज को पास करेंगे। सबसे पहले जो इंटायर अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वो चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा आई है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो होगी हमारी चली जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और बाद में जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का पैसा होगा वो पार्टनर्स अपने अमंग में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। इसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। That's all for today. Hope you guys like it. और जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। थैंक यू।